हेलो गाइस, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सातू कैसे बनाते हैं। लिट्टी बनाने के लिए सातू कैसे बनाते हैं देखिए। ये सब सामग्री है, धनिया पत्ता है, हरी मिर्च है, चार हरी मिर्च हमने काटी है। जिस तरह आपको जितना ज़रूरत हो उतना हिसाब से काटिएगा। अदरक है, अदरक को हमने कूट लिया है, धोकर अच्छी तरह से धोकर अदरक और लहसुन को दोनों को मैंने धो लिया है। उसके बाद इसे दोनों को कूट लिया है। कूटा है इसलिए मैंने, काट भी सकते हैं पर कूटने में उसका स्वाद ज़्यादा आता है, सातू में अच्छा लगता है, उसका स्वाद निखर के आता है। ये अजवाइन है, कलौंजी है, नमक है और ये एक प्याज है। अब इसमें थोड़ा सा सातू लेंगे, देखिए अपने हिसाब से जितना आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप सातू ले लीजिए। और ये तेल है, इसमें हम तेल मिलाएंगे थोड़ा सा। तेल मिलाने से सरसों का तेल बहुत स्वाद अच्छा आता है। सरसों का तेल है, 2 चम्मच के करीब डालना है सरसों का तेल। ये नींबू का रस है, इसमें हम सब जितने भी सामग्री है इस सातू में डलेगा। देखिए इस तरह से प्याज, धनिया पत्ती हमने धो के अच्छी तरह से काट लिया है, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, अजवाइन, चिरौंजी और ये है नमक। नमक 1 चम्मच के हिसाब से है, जितना अपना स्वाद के अनुसार डालना है। और ये नींबू का रस, 1 नींबू का रस है, मैंने निचोड़ लिया है नींबू को। इस तरह से रस को पूरे नींबू का रस डाल लेना चाहिए क्योंकि बहुत खट्टा थोड़ा हल्का लगता है तो सत्तू बहुत अच्छा लगता है। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें हमने तेल सारा चीज़ डाला था, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी का डालना होगा। पानी डालने से होता है क्या, हल्का डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है हमें। हमारा ये सातू तैयार हो चुका है। अब हम आटा लगाएंगे। हम 3 कट लिए हैं हम आटा। इसमें अब हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। सरसों तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड का भी यूज कर सकते हैं, आपको जो पसंद है आप यूज कर सकते हैं। इसमें हम 2 चम्मच एक करीब इसमें डाले हैं तेल, इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे आटे में, 1/2 चम्मच है इस तरह से। इस आटे में भी हम थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे और मैग्रेन डालेंगे। मैग्रेन और अजवाइन डालने से क्या होता है, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसमें पानी डाल रहे हैं, आटे को अब लगा लेते हैं अच्छी तरह से। तेल हमने मिक्स कर दिया, नमक, देखिए ये हमारा आटा गूंथ गया है। अब हम इसके लिट्टी बनाएंगे, लोइया छोटा छोटा बना के, छोटा छोटा हम लिट्टी बनाएंगे इसका। देखिए हमने आटे जो गूंथे थे उनके सारे लोइए इस तरह से हमने बना लिए हैं छोटे छोटे। अब हमें इसमें भरना है सातू को, लिट्टी तैयार करना है। देखिए हमने अमेजोन से मंगाया था इस तरह से, ये है। ये इतना सुविधा इसमें है बनाने में, बहुत जल्दी लिट्टी पक जाता है और सड़ता भी नहीं है, जलता नहीं है। बहुत सुविधा हो गया जब से हमें मंगाए हैं, बहुत हमें सुविधा हो गया है इसके। ये भी मिला था इसे पलटने के लिए। अब हम गैस को ऑन कर दिए हैं और ये अपना हम पैन चढ़ा दिए हैं। सीम में ही हमें लिट्टी को पक, नॉन स्टिक है इसलिए चिपकेगा नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत आराम है इसमें बनाने में, जल्दी बन जाता है। अब बहुत सॉफ्ट बनता है। इस तरह हमें लोइया को करके इस तरह धीरे धीरे बनाना है लोइया। इसमें थोड़ा सा हमें सातू को लेके डालना है इस तरह। थोड़ा थोड़ा हमें दबा के इस तरह से
सारे स्टफिंग इसमें भरने के बाद इस तरह गोल गोल करके देखिए कितने हमारे सुंदर गोल बन चुके हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे, बूंद एक एक बूंद डालेंगे सब में, तेल ज़्यादा नहीं डालना है, इसलिए डालते हैं ताकि ये चिपके नहीं। और इस तरह में लोइया बना के इसमें इस तरह से डालना है। बाकी को ही हम सारे इस तरह से बना के इसमें डालेंगे। देखिए हमारा किस तरह ये लाल लाल एकदम ब्राउन हो चुके हैं, कितने सुंदर लिट्टी हमारे देखिए फूल रहे हैं। हमने सीम आँच पे ही इसे सेका है, बहुत अच्छा लिट्टी इसका सॉफ्ट बनता है, बहुत अच्छा और जल्दी बन जाता है। देखिए कितना सारा सुनहरे हो गए हैं, जितने भी हैं हमने डाले हैं बना के लिट्टी, सारे सुनहरे हो चुके हैं। इसे इसी तरह हम गोल गोल घुमा के सभी को सेक लेंगे, उसके बाद हमें इसे प्लेटिंग के लिए तैयार करेंगे। देखिए गाइस कितने सुंदर सारे हमारे लिट्टी फूल चुके हैं, सारे कितने अच्छे से सींच गए हैं। देखिए इस तरह से हमने 15 मिनट में इतने सारे बना लिए, 25 लिट्टियां हैं 15 मिनट में बने हैं, और इतना सॉफ्ट है देखिए, एकदम भी कड़ा नहीं है। अब किसी चीज़ के साथ करते हैं, आलू का चोखा खाइए, उसके साथ बैंगन का चोखा खाइए, चटनी के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे घर में बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। देखिए हमने ये थाली तैयार किया है, कितनी अच्छी लग रहे हैं सारे लिट्टी, कितने अच्छे से सींच गए हैं, बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए हमने क्या क्या बनाया है आपको बता रहे हैं। ये बैंगन का भरता है, ये बादाम की चटनी है, ये घी है, ये आलू का चोखा है, ये हमारे सैलेड हैं, और ये हरी मिर्ची है। लिट्टी के साथ हरी मिर्ची तो बहुत ही टेस्टी लगती है, आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और कमेंट में से कमेंट कीजिएगा कैसा लगा हमको। बाद में हम अगले वीडियो में आपको ये बैंगन का भरता और बादाम की चटनी बनाना बताएंगे किस तरह से बनाते हैं। बाय।